देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अब अपना पैंतरा बदल दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें लगातार नाकाम होने के बाद ISI अब अपने अंडरग्राउंड आतंकवादियों को एक्सेप्ट कर रही है और इन्हें सेना के काफिले पर हमला तेज करने के लिए भी कह दिया गया है। मतलब कमान इन आतंकियों को मिल चुकी है। ISI जो कि लगातार बौखला रही है, उसका जितना एजेंडा है घाटी के अंदर वो सब नाकाम हो रहा है। अब नया पैंतरा अपनाती हुई ISI दिखाई दे रही है। अंडरग्राउंड आतंकी जो कि घाटी में ही उसके छुपे हुए हैं, अब उन्हें वो एक्टिव करने की सोच रही है। सेना के काफिले के ऊपर हमला करने की कमांड भी इन लोगों को दे दी गई है। तो अब ये नया तरीका, क्योंकि पुराने तरीकों से और आतंकियों को भारत में बॉर्डर के जरिए बेचकर तो अभी तक ISI को कुछ मिला नहीं, तो वो लोग जो कि अंडरग्राउंड आतंकी हैं उसके अब उन्हें वो एक्टिव करने का सोच रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए नापाक साजिश फेल होने के बाद ISI ने किस तरह से अपना पैंतरा बदल लिया है वो भी हम जरा दिखा लेते हैं। ISI ने अपना पैंतरा बदला है। सूत्र ये बता रहे कि आतंकियों की घुसपैठ नाकाम होने के बाद ISI बौखलाती हुई दिखाई दे रही है। अब ISI ने अंडरग्राउंड आतंकियों को एक्टिव कर दिया है, कमान उन तक पहुंचा दी गई है। अगला खेल उन्हें खेलना है। सेना के काफिले पर हमले तेज करने के निर्देश ISI की तरफ से इन अंडरग्राउंड घुसपैठियों को दिए गए, अंडरग्राउंड आतंकियों को दिए गए। देखिए, आम लोगों की तरह घाटी के अंदर ये रहते हैं, वहां के चप्पे चप्पे को जानते हैं, पहाड़ हो जंगल हो पूरी जानकारी घाटी के अंदर जो चीजें हैं उसकी रहती है इन्हें। हमले के बाद जंगल में बड़ी आसानी से ये छिप पाते हैं और ये इनके लिए आसान होता है क्योंकि ये घाटी में ही रहते हैं, वहां के नक्शे को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए अब इन्हें एक्सेप्ट करने की बात सामने आ रही है। सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी संदीप बोल लगातार इस खबर पर क्लोजली नजर बनाए हुए हैं। संदीप, ISI का एक तरफ नया पैंतरा, लेकिन चाइना की तो पुरानी आदत है पाकिस्तान के कंधे पर हथियार रख के बंदूक चलाने की। देखिए, पैंतरे तो लगातार ISI बदल रहा है क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है उनके लिए ISI को जो महसूस हो रही है कि जो ऑल आउट जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके चलते जो उसके घाटी में जितने भी बड़े टॉप कमांडर्स थे वो पहले ढेर किए जा चुके हैं। नए जो लड़के हैं वो रिक्रूट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही संख्या कम है। बरगलाने की कोशिश की जरूर जा रही है लेकिन नए आतंकी उनको मिल नहीं रहे हैं। नए आतंकी अगर वो इंक्लूड कराते भी हैं तो उनकी उम्र 2 से 3 महीने ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं होती है। इस वक्त जिस तरीके का जो ग्रिड है, इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाया हुआ है, उसको लेकर जो है ये आश्वस्त है हम लोग कि किसी भी तरीके की चूक नहीं हो सकती है। लिहाजा उसके जो स्लीपर सेल्स हैं, ऐसे लोग जो कि लंबे समय से वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी काम करते हैं और एक आम लोगों की तर्ज पर एक इलाके में वो एक अपने आप की पहचान भी बना लेते हैं और वो उस इलाके के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ी बात यही रही है कि चीन की जो ये हरकतें हैं वो आज से नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है और इसको लेकर अब भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पुंछ में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई।